स्कूटी को बढ़िया से हैंडल कर लेनी है। देखिए कि भैया अगर ट्रैफिक होगा तो कैसे सीख पाएंगे आप लोग, ना ग्राउंड पे जाइए। बहुत तेज चल रही हूँ, उसके बाद भी मैं उनके बराबर स्पीड में नहीं चल पा रही हूँ। पिथौरागढ़ में मुफ्त की केवल सलाह मिलती है। स्कूटी को अपने हाथ से हैंडल कर लेनी है और आवाज़ ऐसी आनी चाहिए। नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फिर आपका स्वागत है राइडर दीप्ति बिष्ट यूट्यूब चैनल में। और अभी फिर से मैं एक नए बैच के साथ आई हुई हूँ पिथौरागढ़ के चंडाक में, जहाँ की आज फर्स्ट डे है और मस्त तरीके से स्कूटी हैंडल करने लगी है मैम। और होते हैं ना कि अंदर से सीखने का मतलब जुनून रहता है, तो ये जुनून इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और देख सकते हैं फर्स्ट डे, ये सेकंड राउंड चल रहे हैं हम लोग और बढ़िया तरीके से कंट्रोल करके चलाने लगी हैं। हालांकि स्कूटी हमारी ऑफ है और ऑफ स्कूटी को बढ़िया से हैंडल कर लेनी है। देखिए ऐसे ही आपको भी करना है, ऑफ स्कूटी को ऐसे ही। अभी इनका सेकंड डे का मतलब एवरी डेज इम्प्रूवमेंट का सारा वीडियो मैं लेके आऊँगी आपके बीच, कोशिश करूँगी लाने की। और अभी ये दिन भर में मेरा सिक्स्थ बैच है और फर्स्ट डे स्टार्ट भी बढ़िया तरीके से हैंडल कर रही हैं। अभी मैं दिखाऊंगी, केवल ब्रेक पे फिंगर जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैंने एक सपोर्ट दिया हुआ है। ये बढ़िया तरीके से स्कूटी का जो है एक्सीलेटर हैंडल कर ले रही हैं। स्पीड बढ़ाना कम करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो और मेरे को इतना तेज़ भगा दिया भाई साहब, पैर दर्द करने लग गए मेरे, तो इतना बढ़िया हैंडल कर ले रही हैं। अभी देखिए स्टार्ट स्कूटी करके हम लोग ऊपर को लेके आएंगे, तो पूरी वीडियो पे बने रहिए। आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। और जैसा एक बार दो बार पूछा इन्होंने कि आएगा या नहीं मेरे को, आएगा या नहीं मेरे को, और एक राउंड चलने के बाद बोले हाँ मुझे आ जाएगा, अब मेरे को आ गया भरोसा। जबकि अभी हमको आए हुए लगभग 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20-25 मिनट्स हो रहे होंगे हमको। और एक बार इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है इनको। और हम लोग हैं अभी TRC के जस्ट आउटसाइड में हैं, और जितने बहन हैं मेरी इधर उधर प्लेन्स से वीडियो देख रही हैं, तो देखिए हमारा खूबसूरत पहाड़ और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पहाड़ और इतनी हसीन वादियाँ हैं हमारे पहाड़ों की। तो आप लोग भी आइए कभी पिथौरागढ़ घूमने के लिए, और स्कूटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप निश्चिंत होके मुझे कमेंट करिएगा, मैं उससे आपको बाहर निकालने की कोशिश करूँगी और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मेरी वीडियोस में मिल जाएगा। अगर मैं बाय द वे किसी कारण से आपको रिप्लाई नहीं दे पाई तो आप पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा और लिंक में क्लिक करके आपको सारा सलूशन मिल जाएगा सारी परेशानियों का। तो बहुत तेज चल रही हूँ, उसके बाद भी मैं उनके बराबर स्पीड में नहीं चल पा रही हूँ। अभी गई हूँ सुबह से भागते भागते, और अभी बज गया है लगभग 12:30 बजा हुआ है। और ये है पिथौरागढ़ का उल्का देवी का मंदिर। स्कूटी देखिए कितने बढ़िया तरीके से हैंडल कर ले रही हैं। थोड़ा जूम करती हूँ आपको वीडियो दिखाने के लिए, लेकिन जूम करके भी क्या हो रहा है ना, थोड़ा स्पीड जो बढ़ा लेती हूँ मैं, तेज़ भागती हूँ। ऐसे ही आप लोगों को भी हैंडल करना है। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट डे है इनका, फर्स्ट डे में कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो जा रही है। वेरी गुड। वेरी गुड। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया है। गाड़ियाँ भी इक्का दुक्का आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का मेंटल लेवल ये रहता है कि भैया अगर ट्रैफिक होगा तो कैसे सीख पाएंगे आप लोग, ना ग्राउंड पे जाइए। बहुत लोग इंडिया में, हमारे इंडिया में, हमारे पिथौरागढ़ में मुफ्त की केवल सलाह मिलती हैं, तो सलाह देने वाले लोग कहते हैं कि भैया आप लोग ग्राउंड में जाओ, ग्राउंड में प्रैक्टिस करो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर हम स्टार्टिंग से गाड़ियों को फेस कर रहे हैं तो हमारा गाड़ियों से कोई डर नहीं रहता है। अगर हम सडनली ग्राउंड में गए और सडनली हम लोग ग्राउंड से रोड में आएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा और गाड़ियों को देखते ही हमारे अंदर से डर रहेगा, तो इस बात का हमने ध्यान देना है। और साइड का ध्यान देना है, लेफ्ट साइड चलना है मैम, लेफ्ट साइड रखिए स्कूटी को,
वेरी गुड। तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से स्कूटी को कंट्रोलिंग वगैरह अच्छे से कर रही हूँ, और मैं तो बस छाया में खड़ी हो जाती हूँ, वीडियो के चक्कर में कहीं पहाड़ी से नीचे को गिरी पीछे पीछे चलने में, तो फिर मेरी हड्डियाँ भी नहीं मिल पाएंगी। आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। कौन सा दिन है मैम आज? फर्स्ट डे। कैसा लग रहा है? बढ़िया। आते ही पहले तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे आप कि मेरे को आएगी या नहीं, सीख पाऊंगी या नहीं शुरू में। अभी कौन सा राउंड है? अभी थर्ड है, फोर्थ सेकंड थर्ड है, थर्ड है शायद, थर्ड राउंड है, और लगभग आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा हमें। आप इतने अच्छे तरीके से चला ले रही हो क्योंकि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और जुनून हो ना किसी काम का करने का, तो इतना इजीली हैंडल हो जाती हैं चीज़ें। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा। वेरी गुड, कंटिन्यूसली गुड। पैरों का ऐसे ही बार बार सपोर्ट लेना है, ठीक है। अब कर लेते हैं हम स्कूटी को बैक, बस स्टेयरिंग पूरा घुमाएंगे, ठीक है। गाड़ी जा रही है अभी, तो मैं गाड़ी को जाने देंगे, एक बार पीछे को देखें, पीछे से गाड़ियाँ नहीं। अच्छा, ये इस प्रकार से हमने बैक कर दिया। ये देखिए स्कूटी को अपने हाथ से हैंडल कर ले रही है, और आवाज ऐसी आनी चाहिए। एक होता है ना जोर से एक्सलेटर बढ़ाते हैं, सडनली बढ़ा के कम मत करो, एक रिदम में चलो, स्लो स्लो बढ़ा के एक रिदम में चलो। वेरी गुड वेरी गुड। देख सकते हैं दोस्तों बढ़िया तरीके से स्कूटी को कंट्रोलिंग अपने हाथ से कर ले रही है, एक्सलेटर खुद ही हैंडल कर ले रही है। बढ़ाओ, एक रिदम में चलो, वेरी गुड, एक रिदम में। और मैं तो जो है मैं वीडियो बना रही हूँ, और ये बढ़िया तरीके से हैंडल कर ले रही है स्कूटी को। देखिए एक्सलेटर खुद ही हैंडल कर रही है। फर्स्ट डे है और अभी हमारा चौथा चक्कर होगा, इसका तीसरा चक्कर ये कंप्लीट हो रहा है, जो एग्जैक्टली थर्ड राउंड अभी हमारा कंप्लीट होगा। फर्स्ट ऊपर गए नीचे आए, सेकंड ऊपर गए नीचे आए, अभी थर्ड में हम लोग, ये फोर्थ राउंड स्टार्ट हो रहा है हमारा। हाँ, थर्ड राउंड कंप्लीट होगा या फोर्थ, जो भी है, इतने कम टाइम पे पूरा हैंडल बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हैं, आप वीडियो को देख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बढ़िया रिदम चल रहा है। और ये बीच में जो गुआई गुआई मत करो, एक रिदम में चलो, कंटिन्यूसली चलते रहो स्मूथली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक हफ्ते के अंदर एक परफेक्ट राइडर बन के आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी को आराम तलब बनाइए स्कूटी सीख कर। तो अभी फिर से हम अपने बैक वाले पॉइंट पे, जहाँ पे हम बैक करते हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से स्कूटी को टर्न ले लेंगे हम, अगेन डाउन में जाएंगे, रेस काम आगे। वेरी गुड, चलो सेम पैर का सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली चलो चलो, है अभी बहुत, एक घंटा। थक गए क्या? थक गए? अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलो, मैंने तो सोचा भी नहीं था, हाँ सोचा भी नहीं था, लेकिन हैंडल होने लग गई है, सबसे हो जाती है। नेगेटिव नहीं बोलना है बस, गाड़ी में बैठ के बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैं गिर गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ये हो गया वो हो गया, नेगेटिव बहुत बार क्या होता है, नेगेटिव बोलते हैं तो साथ में नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं। तो नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव सोचना है लाइफ में, पॉजिटिव बोलना है और पॉजिटिव करना है। तो आपके कम टाइम पे एक अच्छे राइडर बनने की कामना के साथ मैं आपकी अपनी दीप्ति बिस्ट आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।